गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर में आपका जो आज सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट, उसके अंदर मैं आपको विषय वस्तु के पठन के बारे में बता रही थी। ठीक है, आज मैं आपको ले रही हूँ, मैंने दो विषय आपको क्लियर किए थे, गणित और विज्ञान। आज जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ सामाजिक विज्ञान। जैसा कि आपको पता है सामाजिक विज्ञान का पठन सबसे ज़्यादा हमें SST पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चों को हम SST सब्जेक्ट से दूर रखेंगे सामाजिक विज्ञान से, तो बच्चे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं समाज के अंदर जो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जो मानव होता है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। अब जब वो समाज में ही उठता है, बैठता है, मरता है, तो ये माना जाता है कि उसको समाज के साथ हर तरह के जो परिस्थिति आए उसकी व्यवस्था करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कि वो समाज के अंदर व्यवस्थित रूप से रहे, एक तरह से समायोजन स्थापित करके रहे। तो उसके अंदर ये प्रकार की योग्यता भी होना चाहिए कि वो समाज में किस प्रकार से समायोजन स्थापित कर सके या किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को व्यवस्थित कर सके। तो जो सभी प्राणी होते हैं, सभी मानव होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, सभी व्यक्ति के अंदर समान योग्यता नहीं होती समाज के अंदर रहने के लिए। तो अब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए योग्यताओं का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो कि हमें किससे मिलती है, सामाजिक विज्ञान के पठन से। मतलब सामाजिक विज्ञान के पठन से बच्चे समाज में रहने की योग्यताओं का, गुणों का विकास करते हैं। अब आता है इसके अंदर सामाजिक विज्ञान के पठन के उद्देश्य। पहला नंबर आता है सामाजिक विषय का ज्ञान प्रदान करना। समाजगत विषय का ज्ञान प्रदान समाजगत विषय का ज्ञान प्रदान करना, इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी पठन करते हैं उसके सबसे पहले हमें उसके विषयों की जानकारी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समाजगत विषय का ज्ञान प्रदान करना, तो सबसे पहले ये उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान का, कि सामाजिक विज्ञान के विषयों का ज्ञान, जो विषय है उसके सभी प्रकार का ज्ञान बच्चों के अंदर विकसित करना। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का विकास करते हैं। ठीक है, अब इसको एक तरह से माना जाता है कि प्रत्येक विषय का सबसे पहले उद्देश्य होता है कि स्वयं के विषयों का ज्ञान बच्चों को देना, ज्ञान प्रदान करना होता है। अब सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को भी हम अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, इन सभी से समन्वय स्थापित करके बच्चों को इसका ज्ञान अर्जित करवाते हैं। फिर सेकंड आता है सामाजिकता का विकास। सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य ये होता है, सबसे पहला उद्देश्य है कि विषय के प्रति ज्ञान प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है कि सामाजिक विज्ञान का दूसरा उद्देश्य कि सामाजिकता का विकास करना, बच्चों के अंदर सामाजिकता का विकास करना, क्योंकि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के वे जीवित नहीं रह सकता। तो इसके लिए समाज के अंदर जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती है, जो गुण होते हैं, एक तरह से गुणों को विकसित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कौशलों को इनके अंदर विकसित किया जाता है, समाज के अंदर किस प्रकार की अभिवृत्ति है उस पे उनको विकसित किया जाता है, समाज के साथ किस प्रकार प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा,
मतलब नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य किस प्रकार से आप उसके अंदर मतलब समाज के साथ इस सभी भावनाओं को विकसित किया जाता है। तो सामाजिकता का विकास, तो सेकंड उद्देश्य सामाजिक विज्ञान का कि बच्चों के अंदर सभी प्रकार की सामाजिकता का विकास करना, कि वह समाज के साथ किस तरह समाजन स्थापित कर सकता है। फिर आता है मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा उद्देश्य है ये है कि बच्च मानव विकास का अध्ययन करना, मतलब एक तरह से मानवीय गुणों का विकास करना, मतलब मानव विकास को समझाना, मानव सभ्यता के मानव विकास को समझाना सामाजिक विज्ञान का थर्ड उद्देश्य होता है। अब मानव सभ्यता किस प्रकार की, कि मानव सभ्यता में मानव ने किस किस प्रकार से सहयोग दिया है हमारे देश में या हमारे समाज में, किस कौन कौन से आविष्कार हुए हैं और उन आविष्कारों के माध्यम से हमने कितनी तरक्की की है। तो मानव सभ्यता ने किस तरह विकास किया, जैसे आदि मानव होता है, पूर्व आदि मानव होता है, अभी कौन सा काल है, तो हर सभी प्रकार के कालों से मानव सभ्यता का विकास की शिक्षा इसके अंदर दी जाती है। मानव सभ्यता के विकास की कहानियों का अध्ययन इसके अंदर कराया जाता है। फिर आता है फोर्थ, राष्ट्रीयता की भावना का ज्ञान। राष्ट्रीयता की भावना का ज्ञान, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। वो विकास किस प्रकार करना, कि हमारे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, उनके उन्हें ये ज्ञान बताना, उनके अंदर ये एक भावना का विकास करना कि हमें इसके लिए कितना मतलब उसका आदर करना चाहिए। एक तरह से हमें मतलब उनको एक तरह से जो हमारी राष्ट्रीयता की एकता का जो हमारा सिद्धांत है उसको अपनाना चाहिए। बड़ों के साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, राष्ट्र के साथ हमें राष्ट्रीयता के प्रतीकों जो परंपराएं होती है, चिन्ह होते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक होती है, उनको हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें मतलब एक तरह से हमें देश के विरुद्ध ना जाकर देश का पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। तो इसके अंदर हमें ये भावना का विकास किया जाता है कि हमारे राष्ट्र के लिए हमेशा हमें सम्मान ही मतलब एक तरह से सम्मान की भावना इसके अंदर सिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है चित्र, चित्र मानचित्र, ग्लोब को पढ़ना एवं समझना। सामाजिक विज्ञान का ये उद्देश्य होता है कि बच्चों में चित्र, मानचित्र, ग्रुप को पढ़ना और समझाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों को या विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में जो गांव शहर है उनको हम मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ग्लोब के अंदर हम किस प्रकार से धरातलीय वस्तु को देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर सभी प्रकार की बातों का समावेश होता है। जैसे पहला नंबर आता है इसके अंदर इसके द्वारा छात्रों को स्थानीय क्षेत्रों देश तथा विश्व की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान
किया जाता है। सेकंड आता है अध्यापक द्वारा छात्रों को गांव या शहर की भौगोलिक स्थिति को भौगोलिक स्थिति को मानचित्र के माध्यम से समझाया जाता है। चित्र मानचित्र ग्रुप को इसके द्वारा छात्र को स्थानीय क्षेत्रों देश और विश्व की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान करवाया जाता है। इसी के साथ अध्यापक द्वारा छात्र को गांव या शहरों की जो भौगोलिक स्थिति है उसे मानचित्र के माध्यम से समझाया जाता है। और इसी के साथ क्या किया जाता है, हम विभिन्न चित्रों और ग्लोबों की सहायता से क्या करते हैं, संचार के धरातल, इसमें लिख लो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर चित्रों एवं ग्लोब की सहायता से संचार के संसार के धरातल जलवायु वनस्पति वायुमंडल आदि का ज्ञान भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, चित्र और ग्लोब की सहायता से। तो चित्र मानचित्र ग्लोब को पढ़ना समझना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे सामाजिक विज्ञान के अंदर। अब नेक्स्ट जो उद्देश्य आता है इसका वो ये आता है पर्यावरण का ज्ञान। इसके अंदर भौतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार के पर्यावरण का ज्ञान करवाया जाता है। मतलब एक तरह से वन मैदान धरातल सभी प्रकार की जानकारी इसके अंदर, पेड़ पौधे सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है जो एक भूगोल सब्जेक्ट के माध्यम से दी जाती है। फिर आता है अच्छी नागरिकता की भावना का विकास। जो एक व्यक्ति है वो एक नागरिक के रूप में माना जाता है और जो लोकतंत्र होता है मतलब ये माना जाता है लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या होता है, एक तरह से मुख्य आधार होता है अच्छी नागरिकता। तो एक अच्छी नागरिकता की शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से ही दी जाती है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लोकतंत्र के कर्तव्य और भूमिका को, नागरिकता के जो कर्तव्य है भूमिका है उसके बारे में बताया जाता है। और फिर आता है समन्वय स्थापित करना। ये सबसे ज्यादा सामाजिक विज्ञान, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, इन सबसे समन्वय स्थापित करता है और इसके माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है बच्चों के अंदर। तो ये क्या था आपका सामाजिक विज्ञान के का पठन, ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। सामाजिक विज्ञान के पठन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विज्ञान के पठन को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।